दोस्तों आईपीएल 2022 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जाने वाला और ये मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे खेला जाएगा। तो वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में काफ़ी बड़े बदलाव होने वाले क्योंकि एंड्रिजनोर गैलुंगी नगिड़ी सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अनअवेलेबल हैं। तो ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, वो ये मुकाबला कितने बजे और कौन से स्टेडियम में खेला जाने वाला है, साथ में हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे और हेड टू हेड रिकॉर्ड की भी बात करने वाले। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईपीएल के किसी भी मैच का अगर आपको 100% प्रेडिक्शन जानना है तो आप मनीष भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। तो 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना, जाइए मनीष भाई को कांटेक्ट करिए। दोस्तों आईपीएल 2022 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाने वाला और यह मुकाबला दोपहर को 3:30 बजे मुंबई के बोरबोन स्टेडियम में खेला जाने वाला और इस स्टेडियम में अब तक आईपीएल के टोटल 11 मुकाबले खेले गए और 11 मुकाबले में बैटिंग करने वाली टीम 6 मुकाबला जीती है, तो वहीं चेस करने वाली टीम 5 मुकाबला जीती है। अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 147 रन है। तो बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में 5 ओवरसीज प्लेयर है जो इस मुकाबले में अनअवेलेबल रहने वाले हैं, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, एंड्रिजनोर क्या, मुस्तफिजुर रहमान और लुंगी नगड़ी। तो इस टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहने वाली है। पृथ्वी और टीम शेपर्ड ओपन करने वाले, 3 नंबर पर केएस भरत, 4 नंबर पर विकेट कीपर कैप्टन ऋषभ पंत, 5 नंबर पर मनदीप सिंह या फिर सरफराज खान, 6 नंबर पर रोमन पॉल, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 9 नंबर पर चेतन थकरिया, 10 नंबर पर कुलदीप यादव और 11वें नंबर पर खलील अहमद या फिर कमलेश नगरकोटी रह सकते हैं। करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो मुंबई इंडियंस के इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव अनअवेलेबल रहेंगे, तो इस टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहने वाली है। ईशान किशन, रोहित शर्मा ओपन करने वाले, 3 नंबर पर डेविड ब्रविच, 4 नंबर पर अनमोल प्रीत सिंह, 5 नंबर पर टीम डेविड, 6 नंबर पर केरन पोलार्ड, 7 नंबर पर तिलक वर्मा, 8 नंबर पर जयदेव उनाडकर, 9 नंबर पर रेली मड्डी, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर मयंक मारकंडे रहने वाले। तो दोस्तों कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 पहले मुकाबले में रह सकती है कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में एक दो बड़े चेंजेस हो सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में 30 मुकाबला हुआ और 30 मुकाबले में 16 मुकाबला मुंबई इंडियन ने जीता, तो वहीं 14 मुकाबला दिल्ली कैपिटल ने जीता है। तो मुंबई इंडियन का थोड़ा सा पल्ला ज्यादा भारी नजर आ रहा है। बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों दोनों ही टीमें काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मुंबई इंडियन को थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा इस मुकाबले में क्योंकि यह मुकाबला मुंबई के बोरबोन स्टेडियम में खेला जाने वाला है। लेकिन जहां दिल्ली कैपिटल को काफी बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि 5 बड़े ओवरसीज प्लेयर जो अनअवेलेबल रहने वाले हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस को भी थोड़ा सा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में लगा। लेकिन अगर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करें तो मुंबई इंडियंस जहां टॉप ऑर्डर में ज्यादा मजबूत है, तो वहीं मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। तो यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल जीत सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम यह मुकाबला जीतेगी, वो आप हमें कमेंट करके हम बता सकते हो। वैसे दोस्तों आपको बता दूं जनरली मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला हारती ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।